बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस आवर न्यू टॉपिक फ्रॉम द सेम किंगडम फंजाई। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूट्रिशन इन फंजाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फंजाई आर हीट्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन। फंजाई अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती, अपनी खुराक दूसरे जिंदा जानवरों से हासिल करती है। दे आर क्लोरोफिल डेफिशिएंट ऑर्गेनिजम्स, हेंस दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फंजाई एब्जॉर्प्टिव हीट्रोट्रॉफ्स। According to these lines, fungi are heterotrophic in nutrition. जैसा कि हम सब जानते हैं कि fungi अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, वो अपनी खुराक in the form of prepared food दूसरे जानदारों से हासिल करती है। अब वो अपनी खुराक खुद क्यों नहीं तैयार कर सकती, ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से फंगस जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। So the main reason is fungus is chlorophyll deficient. Main reason is fungus is chlorophyll deficient organism. As we all know, chlorophyll is necessary for the photosynthesis. अगर chlorophyll ही किसी organism के पास नहीं होगा तो वो अपनी खुराक खुद prepare नहीं कर सकते। इसलिए जो fungus है वो carbohydrates नहीं बना सकती by using carbon dioxide, water and sunlight. इसके अलावा the last line is fungus absorptive heterotroph. कि fungus जो है वो absorptive heterotroph है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि fungus, हमने पिछले lecture में देखा कि fungus जो है बहुत सारे enzyme secrete करती है। वो enzyme dead organic matter को या किसी भी substrate को जिसके ऊपर fungus grow कर रही होती है उसको number of smaller कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं दे मे बी द स्मॉल न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद जो इसके हाइफी हैं, फंगल हाइफी, वो डीप रूट की तरह पेनिट्रेट किए होते हैं और वो उस न्यूट्रिशन को, उन स्मॉल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए फंगस क्या चीज है? फंगस इज अ एब्जॉर्प्टिव हीट्रोट्रॉफ। इट डजंट हैव एनी इनगल्फिंग मैकेनिज्म, इट जस्ट हैव अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। अगर फंगस अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती तो अब हम देखेंगे कि फंगस किस किस तरह से दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करती है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स। फंजाई में भी सेप्रोट्रॉफ्स, इट में भी पैरासाइट, इट में भी बिहेव एज प्रेडेशियस फंजाई और एज म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। नाउ we discussed about saprotrophs in detail. As we all know, saprotrophs obtain their food from dead organic matter. Fungi जब किसी भी मुर्दा चीज के ऊपर ग्रो करती है तो हम उसको कहते हैं ये सेप्रोफाइट है, और वो तमाम फंगस, वो तमाम फंजाई के ग्रुप्स जो कि मुर्दा चीजों के ऊपर ग्रो करते हैं और वहीं से अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनको हम कहते हैं these are saprotrophs. These fungus which grow on dead organic matter have an extensive system of exoenzymes. Exoenzymes अब क्या चीज है? Exoenzymes ऐसे enzyme है जो fungus अपने mycelium से या अपने fungal hyphae से बाहर की तरफ उस substrate के अंदर secrete करती है जिसे उसने तोड़ना होता है। अब इसे हम exoenzyme क्यों कह रहे हैं? Because fungal hyphae secrete it outside their body. They doesn't perform any function inside their body. They perform their function of breakdown of decomposing outside the fungal body. Therefore we call them as exoenzymes. इसके अलावा जो saprotrophs हैं उसके पास rhizoid like structure है। Rhizoid mean root like structure. इस तरह के स्ट्रक्चर हैं इसके पास, जैसे पौधे की जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक उसको एनकरेज प्रोवाइड करती हैं और उसको अब्सॉर्प्शन देती हैं न्यूट्रिशन की और वाटर की।
In the same way, fungal hyphae also behave as rhizoid and root-like structure, which provide anchorage to fungus to the soil and also provided it with nutrition and water. एग्जाम्पल क्या है इसकी, सेप्रोट्रॉफ्स की जो एग्जाम्पल हमें ज्यादातर नजर आती हैं, इट इज म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परसिलस। सेप्रोफाइटिक फंजाई मे बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज एक्टोफाइटिक सेप्रोफाइट विच मीन्स ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसके नाम से भी जाहिर है कि एक्टोफाइटिक मीन ऐसी फंगस जो कि किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वाली सरफेस पे ग्रो कर रही है, उसकी फ्लोटिंग बॉडीज हमें बाहर की तरफ नजर आएंगी। ये आप डायग्राम में इसकी देख सकते हैं कि एक डेट्रिटस मैटर के ऊपर फ्लोटिंग बॉडी आपको नजर आ रही है। अब ये जो नीचे इसके डेट्रिटस मैटर है, ये कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। इसके ऊपर हमें सरफेस के ऊपर क्लियरली नजर आ रही है कि बहुत सारे फंगस की फ्लोटिंग बॉडीज पड़ी हैं। जबकि दूसरी जो टाइप है वो है एंडोफाइटिक सेप्रोफाइट, एंडोमीन इनसाइड। दो सेप्रोट्रॉफ्स विच ग्रो इनसाइड द ऑर्गेनिक मैटर, ऐसे सेप्रोफाइट्स, ऐसे फंगस जो ऑर्गेनिक मैटर के इनसाइड ग्रो करती है, उसकी फ्लोटिंग बॉडी हमें ऑर्गेनिक मैटर के सरफेस पे नजर नहीं आती, उसको हम कहते हैं एंडोफाइटिक सेप्रोट्रॉफ्स। इसकी भी आप डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल एरिया से लिए गई है ऑर्गेनिक मैटर की। ये हमें छुपी हुई नजर आती है, मतलब बाहर तो नजर ही नहीं आती ना। हम इसको जब काटेंगे ऑर्गेनिक मैटर को या उसे बीच में से तोड़ के देखेंगे तो हमें अंदर स्पोर्ट्स की फॉर्म में या हमें इसके हाइफी जो है वो अंदर नजर आएंगे। बाहर ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर हमें बिल्कुल भी फंजाई नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरासाइट। अब पैरासाइट की डेफिनेशन जो है हम बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, दैट पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट एंड गेट इट्स फूड फ्रॉम इट्स हिज होस्ट एंड आल्सो काज अ डिजीज इन इट्स होस्ट। यानी कि पैरासाइट हम उस हर उस जानदार को कहते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर ग्रो करेगा या उसके अंदर ग्रो करेगा, अपनी खुराक उससे हासिल करेगा और उसके अंदर डिजीज भी देगा। यानी कि अपना फायदा तो उससे लेगा लेकिन बदले में उसको नुकसान देकर जाएगा। पैरासाइटिक फंजाई टेक फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल। पैरासाइटिक फंजाई जो है वो अपनी खुराक कहाँ से लेती है, लिविंग प्लांट्स या एनिमल से लेती है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन विच फंजाई पैरासाइटाइज कॉल्ड होस्ट। वो जिंदा चीज जिसके ऊपर फंगस ग्रो करेगी, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, जिसके ऊपर फंगस ग्रो करेगी उसको हम स्पेसिफिक टर्म से जानते हैं, जिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज होस्ट। पैरासाइटिक फंजाई आर हार्मफुल टू द होस्ट एंड दे प्रोड्यूस डिजीज। कंडीशन इज डिजीज कंडीशन इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने शुरू में देखा कि फंजाई जिस भी होस्ट के ऊपर ग्रो करेगी, अपनी खुराक उससे हासिल करेगी और बदले में उसको बीमारी देकर जाएगी। द रिलेशनशिप ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट इन पैथोलॉजी इज नोन एज पैरासाइटिज्म। पैथोलॉजी की टर्म में यानी कि डिजीज कॉजिंग साइंस की टर्म में हम इस पूरी रिलेशनशिप को पैरासाइटिज्म का नाम देते हैं। अब पैरासाइटिज्म के लिए या किसी भी चीज के ऊपर ग्रो करने के लिए फंगस के पास एक मॉडिफाइड किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम हिस्टोरिया कहते हैं, स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर्स। दीज आर नोब लाइक स्ट्रक्चर्स। स्पेशलाइज्ड हाइफल मॉडिफिकेशन यानी कि ये हैं हाइफी ही लेकिन थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म में हैं। इंटरसेलुलर हिस्टोरिया, अब इसकी भी दो टाइप है, हिस्टोरिया की दो किस्में हो सकती हैं। एक है इंटरसेलुलर मीन्स बिटवीन द टू सेल्स एंड द सेकेंड इज इंट्रासेलुलर हिस्टोरिया। इंट्रा मीन इन साइड द सेल, विद इन द सेल। जब हिस्टोरिया दो सेल्स के बीच में से गुजरेगा उसको हम कहेंगे दिस इज इंटरसेलुलर हिस्टोरिया। लेकिन जब हिस्टोरिया सेल के अंदर उसकी सेल वॉल को, उसकी सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करता हुआ उसके साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा तब हम उसे कहेंगे इंट्रासेलुलर हिस्टोरिया। इसकी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम इसको देख लेते हैं। हिस्टोरिया में भी राउंड, नोब लाइक, क्लब लाइक और ब्रांच्ड हिस्टोरिया जो है डिफरेंट तरह का हो सकता है। दे में भी नोब लाइक,
नुकीला भी हो सकता है, क्लब शेप भी हो सकता है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस भी हो सकती हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं एक चीज कि इसमें हमें जो है ब्रांच्ड हिस्टोरिया भी नजर आ रहा है, इसमें हमें जो है इंट्रा हिस्टोरिया भी नजर आ रहा है और इंट्रा हिस्टोरिया भी नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब हिस्टोरिया दो सेल्स के बीच में, दो सेल के बीच में रहता है, यानी कि पेनिट्रेट नहीं कर रहा सेल के बीच में, उसको हम कहते हैं ये इंटरसेलुलर हिस्टोरिया है। लेकिन जब इसके अंदर चला जाता है, सेल के अंदर से गुजरता है हिस्टोरिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्टोरिया जो है वो फंगल हाइफी सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हुए जा रही है, इसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर हाइफी। पैरासाइटिक फंजाई आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, सेकंड इज फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, थर्ड वन इज फैकल्टेटिव पैरासाइट। पहले हम देखेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट हम ऐसे पैरासाइट्स को कहते हैं जो कि अपने होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ये अपने ही होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं। अगर इनका होस्ट जो है वो जिंदा ना रहे, मर जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये पैरासाइट भी ख़त्म हो जाते हैं, ये अपने होस्ट के साथ ही जिंदा रहते हैं बस। ओनली लिव एज पैरासाइट ऑन अ लिविंग होस्ट, यानी कि ये सिर्फ जिंदा होस्ट के ऊपर ही ग्रो करते हैं, कैन नॉट लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। अगर तो इनका लिविंग होस्ट वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, अगर तो वो डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो ये उसके बगैर कहीं भी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो नहीं करेंगे। इन्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ लिविंग होस्ट की ज़रूरत है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, पक्सीनिया, रस्ट की डिजीज। गंदुम में अक्सर हम लोगों ने देखा है, डायग्राम आप देख सकते हैं इसकी, गंदुम में हम लोग अक्सर देखते हैं कि उसके पत्तों के ऊपर, उसके स्टेम के ऊपर बिल्कुल रस्टी कलर के ब्राउन येलोइश टाइप के हमें स्पॉट्स नजर आते हैं। तो एक्चुअली ये एक पक्सीनिया फंगस है जो कि उसके ऊपर ग्रो करती है और ये लीफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये होस्ट स्पेसिफिक है। जब हम गंदम को उखाड़ लेते हैं, वहाँ से हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद इसके स्पोर्स तो ज़मीन पे गिर जाएंगे, लेकिन वहाँ ये जर्मिनेट नहीं करेगी, ये अगले साल वहीं पे डोरमेंट फार्म में पड़ी रहेगी। जब दोबारा हम गंदम लगाएंगे उसी खेत के अंदर, तब इसके स्पोर्स दोबारा से उस सीडलिंग के साथ साथ बड़े होंगे और दोबारा उसी लीफ के ऊपर अटैक करेंगे, सॉइल के अंदर ये ग्रो नहीं करेगी। जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा है कि ये सिर्फ अपने लिविंग होस्ट के ऊपर ही ग्रो करती है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो नहीं करती। नेक्स्ट टाइप है इसकी फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव मीन होता है कि ये होस्ट स्पेसिफिक भी है और होस्ट के बगैर भी रह सकती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। दे आर पैरासाइट्स, यानी कि है ये एक्चुअली पैरासाइट्स, लेकिन ये क्या करते हैं, दे कैन ऑल्सो सर्वाइव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। हमने ऑब्लिगेट के अंदर देखा कि वो पैरासाइट है लेकिन सिर्फ लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स हैं ये हैं तो पैरासाइट्स, लेकिन ये ग्रो कहाँ करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया तो ठीक है, ये उसको इन्फेक्ट कर देंगे, उससे भी ले लेंगे खुराक, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो ये उसी गली सड़ी चीजों के ऊपर ग्रो करते रहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिस्टिक है, अगर तो इन्हें मौका मिल जाए, इन्हें कोई होस्ट मिल जाए तो उसे अटैक करके उसके ऊपर से खुराक लेके उसको डिजीज दे देते हैं, लेकिन अगर इसको मौका ना मिले तो ये अपनी गंदगी के ऊपर ही ग्रो करते रहते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक लेते हैं और वहीं पे ग्रो करते हैं। तो ये डिफरेंस है इसका, ऑब्लिगेट पैरासाइट का और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स का। इसकी एग्जांपल जो है वो टेफ्रिना, या आप इसके डायग्राम देख सकते हो, ये यूजली सॉइल के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती है, लेकिन जब इसे सीडलिंग मिल जाती है या इसे प्लांट की रूट मिल जाती है या ऐसी जगह पे जहाँ पे ये फंगस ग्रो की हुई है वहाँ पे हम कोई पौधा लगा देते हैं तो ये उसके ऊपर अटैक कर देती है। अदरवाइज अगर वहाँ पे पौधा नहीं लगाएंगे तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो सेप्रोफाइट्स के तौर पे ही गुजार देगी। तो ये जो है, ये जो पीच का पौधा है हमारे पास, आड़ू के पौधे के ऊपर इसने
कर्ल लीफ की डिजीज कॉज की है। अब जो पौधा जो है मुड़ जाएगा, उसकी जो लाइट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, तो इस तरह ही पौधा जो है इसने डिस्ट्रॉय कर दिया सारा। तो हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं, टेफ्रिना जो है ये हमारे पास फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है। नेक्स्ट है हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट। डिफरेंस आपने ज़हन में रखना है, एक है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट और दूसरी है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या थी कि वो सेप्रोफाइट ही है, अगर तो उसे पौधा मिल गया, प्लांट मिल गया, होस्ट मिल गया, तो वो पैरासाइट बन जाएगी, अदरवाइज इट रिमेन एज सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या चीज है, फॉलो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या करता है, ये है पैरासाइट, अपने होस्ट के ऊपर ग्रो करेगा, लेकिन अगर होस्ट खत्म हो जाएगा या मर जाएगा तो ये कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अख्तियार कर लेगा। अदरवाइज अगर इसका होस्ट जिंदा है तो ये उसी पर रहेगा, कभी भी सेप्रोफाइट के ऊपर नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट के ऊपर। दे पैरासाइटाइज सुटेबल होस्ट प्लांट, इसके लिए कंपलसरी है कि इसने होस्ट प्लांट के ऊपर अटैक करना है, उससे फूड लेनी है, उसको डिजीज देनी है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, फ्यूजेरम और पीथियम। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो गंदम होती है या फिर कोई भी हमारे पास, जैसे कि हम लोग शुगर केन की फसल देख लें, हम राइस की फसल देख लें, हम वीट की फसल देख लें, जब ये प्लांट छोटे होते हैं तो हम इनके अंदर देखते हैं कि गिरे पड़े हैं पौधे सारे ज़मीन पे। तो ये जो पौधे अर्ली स्टेज पे ज़मीन पे गिर जाते हैं, बिल्कुल सॉइल की सरफस पे लग जाते हैं, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। इनके ज़मीन पे लगी हुई है सारी फसलें। ये मोनोकॉट फैमिलीज के अंदर ज़्यादा डिजीज पाई जाती है, क्योंकि उनकी जो स्टेम है वो वीक होती है, बिल्कुल लीफ हमें नज़र आते हैं, उनकी रूट्स भी इतनी एनकरेज प्रोवाइड नहीं करती उनको। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर जो है आपको वाइट कलर की फंगस नज़र आ रही है, तो दिस फंगस इज नोन एज पीथियम। ये एक फैकल्टेटिव पैरासाइट है। जब तक ये ग्रास, ये वीट इसको मिली है, ये इसकी रूट्स को वीक कर देगी, और जब इसकी रूट को वीक करेगी तो जो एक्यूरेटली उसने खड़ा होना था उस लीफ ने, वो वैसे ही खड़ा नहीं हो सकेगा, वो डैम्पिंग ऑफ हो जाएगा, वो सरफेस के साथ, सॉइल के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ डिजीज। जब हम गंदम की कटाई कर लेंगे, हम ये फसल जो यहाँ पे जिसको किसी डिजीज कॉज की है पीथियम ने, हम इसको हटा देंगे यहाँ से, तब क्या होगा, ये सॉइल के अंदर चली जाएगी। अगर तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है तो ये कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर ग्रो कर लेगी, लेकिन अगर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद नहीं है तो ये अपने होस्ट के साथ ही रहेगी, ये वहां ग्रो नहीं करेगी। तो ये इसका डिफरेंस है फैकल्टेटिव पैरासाइट का। नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ पैरासाइटिक फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब हम ये देखेंगे कि पैरासाइटिक लोकेशन क्या है, वो पैरासाइट किसी होस्ट के ऊपर ग्रो कर रहा है या होस्ट के अंदर ग्रो कर रहा है, तो इसी बेस पे हम नाम देते हैं। एंडो पैरासाइट मीन इनसाइड द स्पेसिफिक होस्ट, पैरासाइट लिव इनसाइड द होस्ट टिश्यू। दूसरी टाइप है इसकी एक्टो पैरासाइट, यानी कि होस्ट के बाहर की तरफ या उसकी सरफस के ऊपर ग्रो कर रहा है जो पैरासाइटिक फंजाई, विच लिव ऑन आउटसाइड द सर्फस ऑफ होस्ट। नेक्स्ट टाइप इज प्रीडेशियस फंजाई। प्रीडेशियस फंजाई हम कह सकते हैं ऐसी फंजाई जो शिकार करती है चीजों का, यानी कि प्रे और प्रीडेटर का जो रिलेशनशिप है उसको हम प्रीडेशियस फंजाई का नाम देते हैं। दे आर एनिमल कैप्चरिंग फंजाई, ये ऐसी फंजाई है जो प्लांट को अटैक नहीं करती, ये फंजाई एनिमल्स को अटैक करती है और इसको हम प्रीडेटर कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम शिकारी का, शेर और शिकारी की बात करते हैं कि शिकारी जो है वो शेर का शिकार करता है, इसी तरह से जो फंजाई है ये स्पेसिफिक एनिमल्स का शिकार करती है, उसको अटैक करती है और अपनी उससे न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरी करती है। दीज टाइप ऑफ फंजाई पोजेस स्पेशल हाइफल ट्रैप्स कॉल्ड स्नेयर्स टू टैप और कैप्चर स्मॉल एनिमल्स। अब ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े एनिमल्स को ट्रैप करेगी, नहीं, ये बिल्कुल छोटे छोटे सॉइल ड्वेलिंग निमाटोडास हो सकते हैं, जो ज़मीन के अंदर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, कोई कैटरपिलर हो सकता है, कोई एफिड हो सकता है, उनके ऊपर ये अटैक करेगी और उन्हीं से अपना
फूड ऑब्टेन करेगी। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो है उनके पास हाइफल मॉडिफिकेशन को हम हाइस्टोरिया का नाम दे रहे थे, तो इसके अंदर हाइफल मॉडिफिकेशन को हम स्नेयर्स का नाम दे रहे हैं। स्पेसिफिक इसके होस्ट हैं, स्पेसिफिक इसकी हाइफी हैं जो कि कैप्चर कर लेते हैं अपने प्रे को। दे यूजली इनहेबिट इन द सॉइल, ये ज़्यादातर सॉइल के अंदर होती हैं और वहाँ जो फिरने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं या निमाटोडा हैं या अर्थवर्म है उसको अटैक करती है। दे पोजेस रैपिडली कंस्ट्रक्टिंग हाइफल ट्रैप विच होल्ड द कैपिटी फॉर लॉन्ग टाइम। इनका फंक्शन क्या है कि ये अपने एनिमल को, अपने प्रे को जिसके ऊपर ये अटैक करती है, अपना हाइफा उसके गिर्द लपेट लेती है। इस तरह से लपेटती है कि उसके बाहर एक सख्त खोल बन जाता है, एक रिंग बन जाता है और बाद में उसी रिंग के बनने की वजह से वो जो हाइफी है वो एक लंबे अरसे तक इसके अंदर जकड़ा रहता है, वो छूट नहीं पाता वहाँ से, वो निकल नहीं सकता, एस्केप नहीं कर सकता और भाग नहीं सकता वहाँ से। फिर वो बेचारा इसी के शिकंजे में जकड़ा रहता है, इसके हाइफी के शिकंजे में, और वही पड़ा पड़ा पैरालाइज हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो फंजाई जो है अपने बहुत सारे एग्जोइंजाइम उसके अंदर सेक्रेट कर देती है। वो जो सेक्रेशन है एंजाइम्स की, वो उस लिविंग को, लिविंग निमाटोडा को, लिविंग आर्थ्रोपोड को, कोई भी एनिमल जिसने प्रे किया है उसको डिकम्पोज कर देती है और उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेती है। दे ऑल्सो हैव हिस्टोरिया विच डायरेक्टली इंसर्टेड इन टू द होस्ट टिश्यू। इसके पास स्नेयर्स तो हैं, कैप्चरिंग तो हाइफी है, लेकिन उसके अलावा पेनिट्रेटिंग हाइफी भी हैं जो कि इंजाइम सेक्रेट करेंगे और उस जो प्रे इसने कैप्चर किया है उसके अंदर जाएंगे, उसको तोड़फोड़ करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और उसकी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम, प्रेडेशियस फंजाई की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। तो पहली है जो ऑस्टर मशरूम, इसे हम प्लेस्ट्रस ऑस्ट्रस भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका। दूसरी है आर्थ्रोबोट्रस कॉर्निवोरस फंगस। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फंगस ने किस तरह से एक बेचारे निमाटोडा को कैप्चर कर लिया है और वो अपने कंस्ट्रक्टिंग रिंग इसके गिर्द बना रहा है। ये हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टेड रिंग है, स्पेशल हाइफिस होते हैं इसके, और इन्हीं हाइफी के अंदर से जैसा कि यहाँ पे कुछ हिस्टोरिया जो है इसके अंदर निकलते हैं और उसको वह पेनिट्रेट कर जाते हैं सेल के अंदर। तो इस तरह से ये जो जकड़ा हुआ बेचारा पूरा पूरा मेरी मटोड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है, वो किसी तरीके से भी यहाँ से निकल नहीं पाता इसके शिकंजे से और वहीं पड़ा पड़ा पैरालाइज हो जाता है और फिर फंगल हाइफी उसके अंदर से सारी की सारी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक फंजाई, यानी कि ऐसी फंजाई जो कि बाहमी ताउन पर यकीन रखती है। वो ऐसी जिंदगी गुजारती है कि कुछ ले दिया, कुछ ले लिया, कुछ दे दिया, इस तरह की जिंदगी गुजारती है। ऐसी जिंदगी गुजारेगी कि दोनों को फायदा होगा। ये हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो इसकी पहली जो टाइप है वो है हमारे पास फंजाई ग्रो ऑन और विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें फंजाई क्या करेगी, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके साथ ग्रो करेगी। बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। ऐसा नहीं है किसी एक का फायदा है, किसी एक का नुकसान है, नहीं, दोनों को बराबर का फायदा होगा इस एसोसिएशन से। अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कौन सी है। पहली टाइप को हम कहते हैं लाइकन। लाइकन इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एल्जी एंड फंजाई। एल्जी और फंजाई जब दोनों मिलकर एक जगह पे रहते हैं तो इसके बाहमी तामून को हम नाम देते हैं लाइकन्स का। दूसरी टाइप है माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजल एसोसिएशन इज ऑल्सो अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मीन वास्कुलर प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स होते हैं, वास्कुलर बंडल्स होते हैं, उनकी रूट्स के अंदर जब फंगस ग्रो करती है तो उसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइकन। टाइप्स ऑफ लाइकन के हवाले से हम लाइकन को फंगल और एल्गल एसोसिएशन को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली को हम कहते हैं क्रस्टोज लाइकन। उसके नाम से जाहिर है क्रस्टोज लाइकन मीन क्रस्ट सरफस के ऊपर जो ग्रो करेगी, किसी भी बेयर रॉक के ऊपर टोटली क्रस्ट के साथ जो चिपकी होगी इसे हम कहेंगे क्रस्टोज लाइकन। सेकेंड इज फ्रूटिकोज लाइकन। ये लाइकन हमें ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है,
अगर हम इसको देखें तो हमें लगेगा जैसे जमीन के ऊपर हमने बहुत सारी शाखें रखी हुई हैं, ब्रांचेस पड़ी हैं किसी भी चीज की, इसको हम कहते हैं फ्रूटिकोज लाइकन। तीसरी टाइप है फोलियोज लाइकन, ये हमें लीफी अपीयरेंस देती है, देखने में लगता है कि पत्ते हैं इसके ऊपर लेकिन एक्चुअली वो पत्ते नहीं होते, वो एल्जी लगी होती है। तो ये तीन टाइप्स हैं, क्रस्टोज लाइकन, फ्रूटिकोज लाइकन और फोलियोज लाइकन। आप इसके डायग्राम देख सकते हैं, जो पहली डायग्राम यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये डायग्राम हमें क्रस्टोज लाइकन की है ए, ये डायग्राम जो है 2 नंबर पे ये हमें फ्रूटिकोज की नजर आ रही है, और जो थर्ड डायग्राम है बीच वाली ये है फोलियोज लाइकन की। आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले डायग्राम के अंदर इसने बेयर रॉक के ऊपर अपने आप को टोटली मैप की तरह बिछा दिया है, ऐसे लग रहा है कि हमने उस पर मैट बिछाया हुआ है। दूसरी टाइप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ब्रांचेस नजर आ रही हैं, बिल्कुल जैसे लीफलेस ब्रांचेस होती हैं पौधों की, लेकिन ये एक्चुअली पौधे नहीं है, ये हमारे पास लाइकन है। तीसरी जगह पे आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पास पत्ते होते हैं लेकिन ये पत्ते नहीं है, दीज आर फोलियोज लाइकन। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? फंगल और हायर प्लांट की रूट्स के अंदर जो एसोसिएशन है उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एक्टो माइकोराइजा, एक्टो मीन आउटसाइड द बॉडी, दे आर एक्सटर्नल माइकोराइजा कन्फाइंड टू द आउटर रीजन ऑफ रूट्स। दूसरी टाइप है हमारे पास एंडो माइकोराइजा, एंडो मीन इनसाइड द रूट, यानी कि ये ऐसी एसोसिएशन है कि ये रूट सेल के अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगी। दे आर इंटरनल माइक्रोराइजा एंड दे आर फाउंड डीपली इन द रूट सेल। इस डायग्राम में आपको बहुत क्लियर कट डिफरेंस नजर आएगा इन दोनों के अंदर। पहली है एक्टो माइक्रोराइजा, एक्टो मीन आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसने सिर्फ बाहर उसके कवरिंग की है, यानी कि कोई भी हस्टोरिया हम कह सकते हैं, कोई भी हाइफी हम कह सकते हैं, सेल के अंदर रप्चर करके सेल को उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं किया, सिर्फ उसने साइडों से सेल को सराउंड किया है इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट रूट सेल्स, दिस इज कॉल्ड एक्टोमाइकोराइजा। उसी की दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, जो हाइफी है फंगल हाइफी, वो प्लांट रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट किए हुए उसकी सेल वॉल को, रूट की सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करते हुए उसके साइटोप्लाज्म तक पहुंच चुके हैं। ये देखें सारे जो रूट हाइफी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, दे आर पेनिट्रेटिंग इन साइड द प्लांट रूट। हाइफी पेनिट्रेट रूट सेल्स, दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज एंडोमाइकोराइजा, इसको हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।